दैनिक आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के अलग अलग समूहों में हिंदी निबंध, कविता, श्रुतलेख का आयोजन हुआ। समापन अवसर पर अंडमान और लक्षद्वीप डावर वर्क्स के उप मुख्य अभियंता डी सत्यमूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रशांत भादू प्राचार्य अंडमान लॉ कॉलेज सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। श्री सत्यमूर्ति ने अपने समापन भाषण में कहा कि ये दिन हिंदी भाषा की संस्कृति और महत्व को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी अब भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा कि सरल हिंदी में तकनीकी शब्दावली को भी लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, जिससे तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास और परंपरा पर प्रकाश डाला। डॉक्टर प्रशांत ने अपने अभिनंदन भाषण में रोजमर्रा के सरकारी कार्यों के साथ साथ स्थायी प्रकृति के कार्यों में भी हिंदी के महत्व पर जोर दिया। ये केंद्र सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और आदेशों से अवगत सभी अधिकारियों और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। किसी भी देश की भाषा और संस्कृति लोगों को लोगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करती है। इससे पहले प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सी शिव पेरुमन ने अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और ZSI में नियमित आधिकारिक कार्यों में हिंदी की शुरुआत के बारे में जानकारी दी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।